इतना ढेर सारा सिंदूर देखकर आज प्रभु कितने प्रसन्न हो गए हैं। निश्चित ही उनकी आयु भी बढ़ गई होगी। अब मैं सदा सिंदूर का प्रयोग करके प्रभु को प्रसन्न रखा करूंगा। हनुमान, ये कौन सी लीला रच रहे हैं? प्रभु, ये मेरी लीला नहीं है, ये तो मैया का दिया हुआ ज्ञान है। प्रभु, आपको खुश करने के लिए ही मैंने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया है। आप प्रसन्न है ना? तुम्हारी मैया सीता ने तुम्हें क्या बताया है? मैया ने कहा कि उनकी मांग में सिंदूर लगा देगा प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है। तो मैंने सोचा कि सिंदूर की एक पतली रेखा से आप इतने अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर मल लेने से आप कितने अधिक प्रसन्न होंगे और आपकी आयु और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसी कारण घी में घोलकर सिंदूर मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। हनुमान, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम भक्त शिरोमणि हो, तुमने भक्ति और सेवा के नए मानदंड स्थापित किए हैं। विश्व में जब भी कहीं भक्ति की बात चलेगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। आज मंगलवार के दिन तुमने मेरी प्रसन्नता और लंबी आयु के लिए ये लीला की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद जो कोई भी मंगलवार के दिन बजरंग बलि को सिंदूर का चोला चढ़ाएगा या चोला चढ़ाने में सहायता करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। वो बजरंग बलि की कृपा तो प्राप्त करेगा ही, साथ ही वो मुझे भी प्रिय होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तन जानी के सुनी बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी।
देखा जाए